अस्सलाम वालेकुम, राना उमर फारूक, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर, बहरिया टाउन, कराची से। आज हम बात करेंगे अली ब्लॉक कमर्शियल पर पहला बनने जाने वाला प्रोजेक्ट रिहाइश रेजिडेंशिया के नाम से। और हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर राना वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, सबसे पहले हमें इसकी क्रेडिबिलिटी, बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में बताएं। मेन क्वेश्चन होता है कि बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी। जी अच्छा, उमर भाई आपने रिहाइश वालों का पूछा है, तो अगर हम कमर्शियल की बात करें तो ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये कमर्शियल बनाने जा रहे हैं। इससे पहले ये अली ब्लॉक में ही मोर देन 100 विला जो हैं उनको ये कुछ ये जो है कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ जो है इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि ये इनका ये फर्स्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये अपना 100% देंगे। तो कोई भी बंदा अगर फील्ड तो सेम है लेकिन वो एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, तो जारी बात है कि वो उसको कभी भी अपना मार्केट में अपने आप को जो है वो गंदा नहीं करेंगे, इसलिए वो इस पर इंशाल्लाह 100% देंगे। और इसके फ्लोर प्लान के बारे में ज़रा बता दें। फ्लोर प्लान से पहले हम बात कर लेते हैं प्लॉट की। तो 57 और 58 जो कि जो अली ब्लॉक के प्लॉट का साइज़ है वो आई थिंक 133 स्क्वायर यार्ड है एक प्लॉट का साइज़, और इसमें एक्स्ट्रा लैंड भी है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 350 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट बनता है। और उस पर जो है, और ये ग्रैंड मॉस्क की फेसिंग में ये आ जाता है। इसका जो फ्लोर प्लान है वो ग्राउंड प्लस 8 की ये बिल्डिंग है जिसमें लोअर ग्राउंड भी दिया गया है, मतलब ये इसका फ्लोर प्लान है। और उसके पेमेंट प्लान के बारे में बता दें। सॉरी, एक चीज़ मैं मिस कर गया था, इसके लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पे जो है वो शोरूम दिए गए हैं, क्योंकि ये हम कह सकते हैं सेमी रेजिडेंशियल है। इसमें नीचे शोरूम्स हैं जो कि कमर्शियल हैं, और 1-2 ऑनवर्ड जो हैं वो 1 और 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। हर फ्लोर पे 2 1 बेड और 2 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। और अगर हम इनके रेट्स की बात करें तो ग्राउंड प्लस बेसमेंट का जो रेट है वो 42,000 स्क्वायर फीट का रेट है, और जो अपार्टमेंट्स हैं वो 9,000 पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, इसका गेट से डिस्टेंस कितना बनता है मेरे ख्याल से? ये हार्डली जो है वो 7 से 8 किलोमीटर का जो है, अगर हम ड्राइव की बात करें तो आई थिंक 5 to 10 मिनट्स की जो ड्राइव है उस पर ये प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। और मिडवे कमर्शियल 2 भी मेरे ख्याल से बिल्कुल इसकी सराउंडिंग। जी जी जी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इनके, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये जो प्लॉट है ये ग्रैंड मॉस्क की फेसिंग में आ जाते हैं, और ये बहुत ही हाइटेड लोकेशन पे है, तो अगर ग्राउंड से ऊपर जो है वो आई थिंक इसको जो है वो फॉर एवर जो है ग्रैंड मॉस्क का व्यू मिलने वाला है। और जो और प्लस पॉइंट है, ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल साथ इकरा यूनिवर्सिटी है। अगर हम कोई भी जो बंदा कहीं भी रेजिडेंशियल पे कोई अपार्टमेंट बुक करवाता है या लेना चाहता है, तो उसकी ये जो अमेनिटीज़ होती हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंस्टीट्यूट जो है इकरा यूनिवर्सिटी, कोई भी बंदा अगर इधर रहेगा इन फ्यूचर, इकरा यूनिवर्सिटी तो अभी भी फंक्शनल है, तो ये बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं मौजूद है। जब उनके जो भी इधर फैमिली मूव होंगी, दारी बात है उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो उनके लिए जो है प्लस पॉइंट है। शुक्रिया वसीम भाई। और बुकिंग ओपन है और आप बुकिंग करा सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।